सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लिखी बड़ाई पैगंबरो, तीन की कहां गई नसीहत, अंजू टाढ़ी उनों की उमते, देखो पत्थर आग पूजत। कुरान में जिन पैगंबरों की प्रशंसा की गई है उनके उपदेश कहां चले गए, क्योंकि आज भी उनके अनुयायी आग और पत्थर की पूजा कर रहे हैं। करी किताबे मन सुख, हुए जमाने रद, ना मोमिन पीछे तूफान के, जोलो आखर आए मोहम्मद। इसीलिए भूतकाल में के सभी पैगंबरों के उपदेश ग्रंथों को निरस्त कर दिया गया। नूह तूफान के पश्चात इस जगत में जब तक अंतिम युग के सतगुरु श्री देवचंद्र जी का अवतरण नहीं हुआ, तब तक ब्रह्म आत्माओं का अवतरण भी नहीं हुआ। रात बड़ी है रास की, कही सूके और व्यास, ताबीच लीला अखंड, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि प्रकाश। सुखदेव जी तथा व्यास जी ने रास की रात्रि को बहुत बड़ी माना है। इसी रात्रि में परब्रह्म तथा ब्रह्म आत्माओं की अखंड लीलाओं का प्रकाश हुआ है। मृत लोक और स्वर्ग की, ब्रह्मा और नारायण, रास रामत के बीच में, ये चारों दरमियान। मृत्युलोक तथा स्वर्ग लोक की रात्रि एवं ब्रह्मा जी तथा भगवान नारायण की रात्रि भी रास लीला की इस महान रात्रि में ही समाहित हो जाती है। रात कही कदर की, बहुत बड़ी है सोए, फिरत चिरागे इनमें, चांद सूर ए दोए। कुरान में भी इस महिमामयी रात्रि को बहुत बड़ी बताया है। इस विशेष रात्रि में सूर्य तथा चंद्रमा भी दीपकों के समान भ्रमण करते दिखाई देते हैं। ब्रह्म लीला तीनों ब्रह्मांड की, सो जाहिर होसी सुख ब्रह्म, दे मुक्त सब दुनी को, ब्रह्म सृष्टि लेसी कदम। व्रज रास और जागनी इन तीनों लीलाओं के प्रकट होने पर इस ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा का आनंद प्रकट होगा, क्योंकि इस लीला में परब्रह्म स्वयं प्रकट होकर संसार के सभी जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे एवं ब्रह्म सृष्टि को अपने चरण शरण में ले लेंगे। मोमिनो तीनों तकरार में, जाहिर होसी लैलत कदर, एक दिन होसी दुनी में, सुख कायम बखत फजर। ब्रह्म आत्माएं इस महिमामयी रात्रि के तीनों खंडों में संसार में आई है, किंतु इस रात्रि का महत्व तभी प्रकट होगा जब प्रभात के समय यानी जागनी लीला में संसार के लोगों का एक ही धर्म स्थापित हो जाएगा और उन्हें अखंड सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म सृष्टि प्रेम लक्ष्य में, कुमारिका ईश्वर, तीसरी जीव सृष्टि दुनिया, वेद कहत यों कर। वैदिक ग्रंथों में
तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। उनमें प्रथम प्रेम लक्षणा भक्ति युक्त ब्रह्म सृष्टि है, दूसरी कुमारिका है जिन्हें ईश्वरी सृष्टि भी कहते हैं, तथा तीसरी जीव सृष्टि सांसारिक जीवों को कहा गया है। खास रूहे उम्मत की और मूत की दीन इस्लाम और तीसरी आम खलक, ये तीनों कहे अल्लाह कलाम। इसी प्रकार कुरान में भी विशेष आत्माओं को ब्रह्म सृष्टि कहा है। धर्म पर दृढ़ रहने वाली आत्माओं को ईश्वरी सृष्टि तथा सर्वसाधारण जीव को तीसरी यानी जीव सृष्टि माना है। ब्रह्म सृष्ट अक्षरातीत से, ईश्वरी सृष्टि अक्षर से, जीव सृष्टि वैकुंठ की, ये जो गफलत में। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत परम धाम से, ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम से तथा जीव सृष्टि वैकुंठ से इस नश्वर खेल में आई है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 13 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।